A very good morning to all my kids. This is Civics Lesson 4 Question Bank PDF. As here I am going to discuss about Lesson 4 Question Bank. Question number 1 is explain double burden referred to women. Basically, हमारी women's क्या है, जो ladies हैं, आपकी mother हैं, वो सर घर का सारा काम करती है, your all the household work, your father, your means your entire family. But her work is not recognized. उनका work को recognize नहीं करता. तो यही बोल रहा है, this word term is related to the unpaid work. वही women's जो अपने घर पे अपना काम करती है, even though they are working at home, along with that if they are doing jobs, so both the things they are doing at the same time, दोनों चीज़ें वो कंपेरेटिवली साथ में करती. ऐसा नहीं है कि जॉब करी तो घर का काम नहीं करती. ऑब्वियसली वो घर का भी सारा काम करती हैं और बाहर का भी करती हैं. तो ऑब्वियसली वुमेन्स आर डबल बर्डनाइज. सो दिस वर्ड डबल बर्डन मीन्स कि वुमेन्स आर कंपेरेटिवली डूइंग बोथ द वर्क, सो दे आर डबल बर्डन. सेकेंड क्वेश्चन, when do devalued, explain devalued. Obviously mothers are doing work at home, तो क्या mother या आपकी जो भी दादी है, जो भी घर में ladies हैं जो work कर रही हैं, क्या आपके मतलब family के उनको कुछ pay करते हैं? No, they don't get any recognition. When due recognition is not given to a person, मतलब वो जो भी job कर रहे हैं उनका किसी को recognition नहीं दिया जा रहा है या उनको कुछ पे नहीं किया जा रहा है, तो दे आर ट्रीटिंग ये बोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. एज दो अभी हम ही लोग आपसे क्लास से पूछते, बेटा व्हाट डज योर मदर डू? मैम नथिंग, शी यूज टू, शी इज जस्ट अ हाउस वाइफ. हाउस वाइफ इज नॉट अ हाउस वाइफ, शी यूज टू डू ऑल द वर्क एंड मोर देन अ वर्किंग लेडी. शी यूज टू वर्क मीन्स 24/7, कोई रेस्ट नहीं उस बंदी के लिए. शी इज डूइंग वर्क कंटिन्यूअसली, सो हर वैल्यू शुड बी देयर. मतलब उनकी वैल्यू हमें करनी चाहिए. हम लोग जबकि हम लोग सोसाइटी में क्या कहते हैं, नथिंग, मेरी वाइफ क्या करती है या मेरी मम्मा क्या करती है, शी इज अ हाउस वाइफ. नो बेटा, हाउस वाइफ मीन्स शी इज डूइंग मोर देन वर्क कंपेयर टू योर फादर. गिव मोर रिस्पेक्ट टू योर मदर. एक्सप्लेन जेंडर एम्पावरमेंट. बेटा जेंडर एम्पावरमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग और अलाउइंग वुमेंस टू टेक देयर डिसीजन. वो डिसीजन मेकिंग का उनके पास राइट होना चाहिए. सेकेंडली प्रोवाइडिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू लेडीज इन ऑल फील्ड्स, वेयर एज पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इन एनी फील्ड, एवरी वेयर वुमेन शुड बी कमिंग फॉरवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज जेंडर एम्पावरमेंट. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज एन एक्ट विच इज पास बाय द पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट वुमेन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस, जो मीन्स हस्बैंड्स या जो भी फैमिलीज हैं टॉर्चर करती है लेडीज़ को. सो इट इंक्लूड्स ना सिर्फ फिजिकल वायलेंस, मतलब मारना पीटना नहीं, अलॉन्ग विद दैट इमोशनली, वर्बली, मतलब हर तरीके से अगर हम किसी को हैरेस कर रहे हैं, देन वी शुड नॉट अवॉइड, वी शुड स्टॉप दैट. सो एक्शंस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट. द एक्ट इज नोन एज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मीन्स फिक्सिंग अ पर्सन टू अ इमेज, मे बी और मे नॉट ट्रू. फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्लास का एक बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ने में है, ठीक है, वो ऑलराउंडर, और एक बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है ना. तो हमने कॉम्पिटिशन है एक, तो हम हमेशा किसको प्रिफर करते हैं, भाई जो ऑलराउंडर बच्चा होता है वो जाए, वो बहुत अच्छा करके आएगा. बट वो जो बच्चा बहुत पढ़ने में ज़रूर कमज़ोर था मगर आर्ट में वो टॉपर है, तो हमें किसको प्रिफर करना चाहिए था, वो आर्ट वाले बच्चे को. बट हम ऐसा नहीं करते. क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में हर इंसान की इमेज सेट हो चुकी है. तो वही लिखा है कि फिक्सिंग समवन्स इमेज, उस जेंडर या उस पर्सन की इमेज सेट कर लेना, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ कॉल्ड एज बेसिकली स्टीरियोटाइप. भले वो सही हो या ना हो, मतलब कि हमारी इमेज सेट कर ली कि ये ऐसा है, तो वो चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए. पॉलीगैमी इज़ अ कस्टम, दैट इज़ कि आपके मोर देन वन हस्बैंड या मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम अगर किसी की है, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगैमी. जौहर मीन्स कि बींग कैप्चर्ड और रेप्ड बाय द एनिमीज. सो द वुमेन राजपूत्स वर गेटिंग वर्ड कि आर्मीज जो है लॉस्ट हो रही हैं. सो दे नो कि अब जो हमारी अपोजिट आर्मी या अपोजिट पर्सन है वो उनको कैप्चर कर लेंगे और दे विल एक्सप्लॉइट देम. सो इन दैट केस द वुमेन्स यूज टू जम्प इन द फ्लेम ऑफ फायर एंड डू जौहर, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि एनिमीज उनको कैप्चर करें, उनको एक्सप्लॉयटेशन करें. पर्दा सिस्टम इज़ अ प्रैक्टिस विच सर्टन मुस्लिम हिंदू सोसाइटीज़ आर डूइंग सो दैट कि स्ट्रेंजर्स और अनवांटेड पीपल कैन सी देम. दैट मीन्स अ कर्टन इज़ देयर फ्रॉम दैट किंग इज़ देयर. ये मुस्लिम्स ने इंडिया में लाए थे, जैसे कि आज भी लोग वुमेंस जो है बुरखे में जाते हैं. इसके अलावा वुमेंस जो होती हैं वो पर्दे में, अकबर क्या थे, जोधा बाई क्या थी, वो पर्दे के पीछे से बात करती थी किंग से. सो दिस इज़ ऑल थिंग, दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज़ बेसिकली कॉल्ड एज पर्दा सिस्टम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. गॉड ब्लेस you.